नमस्कार, एक सूचना दे दें। बिहार पुलिस के इर्द के संबंध में मैंने बोला था कि 31 तारीख को सुनवाई होने वाली है। अब बिहार पुलिस के कल सुनवाई है। जो लड़के केस लड़ रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सर कल सुनवाई है। अगर कल कोई अपडेट तो आएगा ही, सुनवाई होगी तब क्या होता है। जो लड़के ईद की मांग कर रहे थे, हालांकि बिहार पुलिस का डेट की घोषणा हो गई है एग्जामिनेशन का, उस समय जज ने बहुत कड़ा फटकार लगाए थे जो बिहार पुलिस आयोग के वकील हैं उनको। उन्होंने गलती को एक्सेप्ट किया था कोर्ट में और उन्हें बोला था कि अगले सप्ताह हम आएंगे कोर्ट में पेश होंगे। उन्हें चेतावनी दिया था अगर अगले सप्ताह कुछ नहीं लेकर आएगा तो हम परीक्षा को स्थगित कर देंगे। यहाँ मामला क्या है, मामला किस समय समझिए। लड़के मांग कर रहे थे जो बिहार पुलिस जो पहले निकला था, और जब निकला था उसके बाद से ईद काउंट मांग रहे हैं, लेकिन यह तत्काल ईद दिया बिहार पुलिस में। बहुत से लड़के को ईद के कारण छूट गए। हम बार बार बोलते हैं कि 2005 में नीतीश गवर्नमेंट बनी थी, उस पर कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया था अगर कोई परीक्षा अगर एक ही नेचर की परीक्षा हो और परीक्षा के समय की अवधि 2-3 साल का अंतर हो तो ऐसी परिस्थिति में इसका छूट दिया जाएगा। उसी को लेकर आपको बिहार एसएससी में छूट दिया गया था, जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हो चुकी थी। सचिवालय सहायक भी छूट दिया गया था, प्रवर्तन अधिकारी में छूट दिया गया था और बीपीसी के अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा होती उसमें भी छूट दिया गया था। बहुत सारी परीक्षा थी उसमें छूट दिया गया था। लड़कों को डिमांड वही है, हालांकि लड़के का डिमांड बिल्कुल जायज है, डिमांड में कोई कमी नहीं। लड़कों के पक्ष में कल डिसीजन आना चाहिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। अगर सही रूप से डिसीजन होगा, निश्चित रूप से लड़कों के पक्ष में आएगा। कोर्ट पर तो विश्वास है ही लड़के को, तभी चुनौती दिए हैं और कल सुनवाई होगा। जो ही कल कोई अपडेट आती है तो निश्चित रूप से अपडेट को हम अपने YouTube चैनल पर Pathfinder by BSF पर डालेंगे। अब वेट कीजिए कल का, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।